दमोह जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर अभाना कस्बे के गांधीग्राम के एक किसान हल्लू पटेल ने करीब 50,000 रुपए की लागत से प्याज की फसल बोई थी, लेकिन मौसम में आए बदलाव के चलते किसान के अरमानों पर पानी फिर गया। जो मुनाफा कमाने की अटकलें किसान लगा रहा था वो तो नहीं हुआ, बल्कि अब लागत निकलना भी मुश्किल समझ में आ रहा है। दरअसल पूरे प्रदेश में हर दिन मौसम अपने रंग बदल रहा है। बीते करीब 15 दिनों से मौसम में घुली ठंडक के चलते जो फसलें पककर खेतों में तैयार खड़ी हुई थीं, उनमें भी अब दोबारा से फूल आने लगा है, जिस कारण किसानों को प्याज की फसल बोने से मुनाफा की बजाय घाटे का सौदा साबित हुआ है। गांधीग्राम के रहने वाले 32 वर्षीय किसान हल्लू पटेल ने भी करीब 3 से 4 एकड़ में प्याज की फसल बोई थी, जिन्हें भी अब घाटा मिला है। मेरा हल्लू पटेल नाम है, मैं ग्राम गांधीग्राम के रहने वाले हैं। हमारी ये समस्या है, मैंने 3 से 4 एकड़ में प्याज लगाई हुई है। मौसम के कारण प्याज में फूल आ गया है, एक महीना का मौसम बेकार रहा है, नुकसान होगा हुआ। हम 1,00,000 को नुकसान है प्याज लगाए। कितनी लागत आई थी जब आपने इसको लगाया था? लगाया मैं 50,000 की लागत। क्या दाम मिलना चाहिए था, क्या मिलेगा? दाम चाहना था, 3 एकड़ में लगाया था, 3,00,000 का जाना था, जिमों में 1,00,000 भर नहीं मिल रहे हैं। मतलब लागत नहीं निकल पाएगी? लागत नहीं निकल पाई भाई, सही पत्ते में पर एक फूल के द्वारा नुकसान हुआ था, प्याज पड़ी ही नहीं है।